Hello folks, you are watching Sports Tiger. This is Anuj K. हम अक्सर इंडियन क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर की बात करते हैं कि क्या कपिल देव के बाद हमारे पास कोई ऑलराउंडर आया? शायद आया, लेकिन हमने क्या उसे तरीके से जो है चैनलाइज किया? शायद नहीं किया। इरफान पठान का जिक्र होता था एक वक्त पे, फिर आप बात कर सकते हैं हार्दिक पांड्या की, उसके बाद विजय शंकर को ट्राई किया गया, शिवम दुबे को ट्राई किया गया, लेकिन अब एक फाइनली खुशखबरी भारतीय टीम के लिए ये है कि हार्दिक पांड्या जो हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए बॉलिंग करना चाहते हैं, गेंदबाजी जो है उसमें वो पूरे लग चुके हैं और वो चाहते हैं कि भारत के लिए जो है वो बिल्कुल जो एक पहले ऑलराउंडर की तरह प्रॉपर जो उनका तालमेल रहता था बल्लेबाजी और गेंदबाजी का, वही जो है वापस से वो जो है करना चाहते हैं। बीते कुछ एक से डेढ़ साल में हमने देखा है कि हार्दिक पांड्या सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे हैं, इक्का दुक्का ओवर ही जो है वो हमको गेंदबाजी में करते हुए देखने को मिलते हैं। इंजरी बहुत बड़ा एक जो आप ये कह सकते हैं ड्रॉबैक रहा है उनके साथ बीते कुछ दो से तीन सालों में। एक आप ये कह सकते हैं कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद हमने बहुत कम उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखा, शायद इसी वजह से वो टेस्ट टीम में भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं। WTC फाइनल की स्क्वाड के साथ साथ जो टूर ऑफ इंग्लैंड है उसके अंदर हार्दिक पांड्या का नाम नहीं है, और ऐसे में पहली बार ऐसा है कि भारतीय टीम पिछले कुछ तीन दौरे अगर मैं देखूं भारतीय टीम के लिए, तो पहला मौका ऐसा आएगा जहां पे बिना किसी आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के बिना जा रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत सेटबैक था। लेकिन अब पांड्या ने साफ किया है कि उनकी निगाहें हैं जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप पे हैं और वो बिल्कुल चाहते हैं कि वो भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी करें। धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, देखते हैं कि क्या भारत और श्रीलंका के जो सीरीज़ होने वाली है उसमें वो गेंदबाजी करेंगे या नहीं। हालांकि तैयारियां जो हैं उन्होंने साफ कर दी हैं, और एक पॉजिटिव न्यूज़ में कहूँगा एक खुशखबरी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप ये देख सकते हैं क्योंकि अगर आप पांड्या अगर गेंदबाजी नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको एक एक्स्ट्रा गेंदबाज खिलाना पड़ता है। उस गेंदबाज के तौर पे आप जो है कभी शार्दुल ठाकुर को खिलाते हैं, कभी आप वाशिंगटन सुंदर को खिलाते हैं, क्योंकि आपको जो बीच के अगर मैं T20 फॉर्मेट की बात करूं यहां पे, तो चार ओवर्स भी बहुत बड़ा आपके लिए एक रोल प्ले करते हैं। डेथ ओवर्स में भी हमने देखा है कि पांड्या अक्सर गेंदबाजी करते थे भारत के लिए, तो देखते हैं कि किस तरीके से पांड्या की ये जो खुशखबरी आई है भारतीय समर्थकों के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, वो कितना रंग लेके आती है। हम बिल्कुल चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्हें कुंग फू पांड्या कहा जाता है वो बिल्कुल उसी तरीके से जो अपने प्रदर्शन से टीम को मैचेस जिताएं, और एक बार फिर जो है भारतीय टीम 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप जो है बिल्कुल अपने घर लेके आए, क्योंकि तकरीबन उस चीज़ को भी 14 साल हो चुके हैं। पहला इवेंट था T20 वर्ल्ड कप का और भारत ने उसमें पाकिस्तान को हरा के जो है टूर्नामेंट जीता था, तब से हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। हमने सेमीफाइनल्स खेले, फाइनल्स खेले, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है फाइनल जीतने की बारी है। देखते हैं कि कैसा प्रदर्शन भारतीय टीम करती है, और उसमें हार्दिक पांड्या का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर।